तो ठीक है, इस बीच एक और बड़ी खबर, निर्भया के दोषी पवन की क्यूरेटिव याचिका खारिज हो गई है। और क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद सभी कानूनी विकल्प यहां से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। महेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। महेश, सीधा सवाल क्या मैं आपसे पूछूं, कल सुबह की फांसी तय? देखिए, कल सुबह की जो फांसी है वो तो 3-4 दिन पहले से भी तय थी, लेकिन एक बात मैं आपको दर्शकों को साफ कर देना चाहता हूँ कि एक आम भाषा में समझाने के लिए कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है और आपके चेक पे साइन भी नहीं है, लेकिन आप बार बार बैंक में जाके उस चेक को अगर ड्रॉप बॉक्स में डाल देते हैं तो क्लर्क के पास जाता है, क्लर्क उसको मोहर मार के रिजेक्ट करता है, फिर वो आपका घर वाइट पोस्ट भेजता है, फिर आप जाके उसको दोबारा से वापस उस बॉक्स में डाल देते हैं, फिर दोबारा से बाबू के पास जाएगा और उसको जो है रिजेक्ट करेगा। तो हालात इनकी है कि इनके सारे जितने भी विकल्प हैं, जो भी प्रोसेस है, अभी हमें ऑर्डर नहीं मिल पाता है। ऑर्डर मिले उसके बाद तो फाइल करूंगा, कुछ ऑर्डर मिलेगा तब उसमें पढ़ूंगा क्या क्या लिखा है क्या क्या नहीं। एक्चुअली हमारी पिटीशन में होता ही है, पिटीशन फाइल होती है उससे पहले ऑर्डर तो टाइप हो जाता है, तैयार हो जाता है, लेकिन मिलता आप लोगों को? नहीं, वो आतंकवादी से आप तुलना कर रहे हैं, यही तो बात है। हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, प्रोफेशनल ऑफेंडर नहीं है। घटना के समय 16.5 साल का बच्चा था पवन कुमार को, तो उससे आप आतंकवादियों की तुलना कर रहे हैं, यही हमारे देश का दुख है, यही हमारे। आप देखिए, आप पटसन से रस्सी से धागे से फांसी की रस्सी तो बना रहे हैं, लेकिन प्रकृति के द्वारा चलाया हुआ कोरोना जो है उसके लिए आप मास्क नहीं बना पा रहे हैं, मास्क नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन प्रकृति ने जो कोरोना चलाया है, आप फांसी की रस्सियां मत खरीदिए, मास्क कोरोना से बचने के लिए खरीद लीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। लिंकिंग, यस, दिस इज गिगलिंग, ये अन्याय हो रहा है, ये अनजस्टिस हो रहा है, यह अनजस्टिस हो रहा है, हां इसीलिए ये कोरोना है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बंद है, इसीलिए आप हटा लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए ये कोरोना हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बंद है, फोटो स्टेट नहीं हो पा रही हैं, प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहे हैं, अटेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, ये सारा प्रोसेस चल रहा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो सब बंद हैं, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है कि इस पर फांसी की सजा पर रोक लगाई जाए, फांसी की सजा पर रोक लो, ये सबसे बड़ी दुखद बात है और इसीलिए ये प्रेशर में जो हो रहा है, कोई बात नहीं, जो भी है उसे हम आगे देखेंगे। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.